मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे मैंगो कल्टीवेशन में। मैंगो कल्टीवेशन में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंगो का इम्पोर्टेंस क्या है, मैंगो की सॉइल कौन सी सॉइल में मैंगो होती है, इसके लिए क्लाइमेट क्या जरूरी है, इसकी आप वैरायटी हम देखेंगे, इसकी कल्टीवेशन रोटेशन टेक्निक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंगिफेरा इंडिका, और इसके जो ये है क्रोमोसोम 40 होते हैं, और इसी ये आपका हो गया आपका जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वो हो गया इंडोवर्मा। और इसकी हम फैमिली की बात करें तो ये अनाकार्डिसिया फैमिली की होती है, और इसके क्रोमोसोम नंबर 2 and 40 मिस पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं हैप्लॉइड इज एन हैप्लॉइड सिंगल, मतलब क्रोमोसोम नंबर उसमें सिंगल होंगे, और डिप्लॉइड 2n मतलब कि डिप्लॉइड मतलब 40 है ये हम बात करेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट की, ये ड्रूप फ्रूट है, और इन्फ्लोरिसेंस की बात करेंगे हम, तो ये पेडिकल इन्फ्लोरिसेंस आपने 12th में पढ़ा होगा बॉटनी में कि इन्फ्लोरिसेंस क्या है, आपको नॉलेज होगा, इसकी बात हम अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और अब रही एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट जिसे हम खाते हैं, इसकी एडिबल पार्ट है मेजोकार्प। मेजोकार्प मतलब जैसे कि आप एक मैंगो लेते हैं, मैंगो की जो अपर वाली पार्ट होती है, अपर वाली जिसमें गुदे होते हैं, जैसे कि छिलके को हटाए वो जो उसके पास जो पार्टिकल्स मिलती है वो एडिबल पार्ट है, उसे कहते हैं मेजोकार्प। मेजोकार्प मीन्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। यदि हम अपन बात करें कि मैंगो की, तो मैंगो आप जानते हैं कि किंग्स ऑफ फ्रूट मतलब कि फलों का राजा भी कहा जाता है, और मैंगो मतलब बहुत सारी चीज़ों के यूज होता है, जैसे कि हम इसके जूस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पिकल्स बनाते हैं इसके यूज कर सकते हैं, आप इसके आप फ्लेवर यूज कर सकते हैं आइसक्रीम, या हम वेनेगर वगैरह बनाते हैं, या फिर आप एक मैंगो का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, और कुछ 2-3 पॉइंट्स अपन लिखेंगे इस बोर्ड पे, और उसके बाद अपन बात करेंगे सॉइल क्लाइमेट और क्लाइमेट के बारे में। अपन जैसे कि बात कर रहे थे सॉइल रिक्वायरमेंट, तो सॉइल रिक्वायरमेंट इसके लिए मैंगो के लिए हमें सबसे पहली बात लोमी सॉइल चाहिए, और वेरी ड्रेनेज चाहिए, और ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और इसकी जो पीएच मिल रहा है 7.5 होना चाहिए। ये आपकी 7.5 मतलब की रिक्वायरमेंट है कि मतलब कि हमारे सॉइल की जो पीएच लेवल जितनी क्या बोलते हैं न्यूट्रल होगी वो बहुत अच्छी कल्टीवेशन मतलब कि हमारे फ्रूट्स अच्छी देंगे, प्लांट को अच्छी मतलब कि ग्रोथ मिलेंगी, उसे अच्छी न्यूट्रेंट मिलेंगी। अब इसके बाद आती है हमारी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में अगर बात करेंगे तो इसकी एवरेज टेम्परेचर 20-27 डिग्री सेल्सियस होती है, यदि 24-27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होती है। अपन यहाँ पर टेम्परेचर लिखना ये टेम्परेचर 24-27 डिग्री सेल्सियस होती है, यदि इस टेम्परेचर यदि 24-27 से यदि हमारी टेम्परेचर ज़्यादा जाती है, मान लीजिए 27 है यहाँ पर 32-37 यदि चली गई, ये हमारे फ्रूट को और प्लांट को मतलब कि क्षति डैमेज कर सकती है। और अपन यदि बात करें फूड स्टोरेज की, जैसे कि अपन मैंगो की कल्टीवेशन कर दिया, और मैंगो हमारे फ्रूट से अलग प्लांट से अलग करके हमने फ्रूट को स्टोरेज किया एक रूम में, तो उसके लिए अपन चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए स्टोरेज के लिए। और इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है रूम की ह्यूमिडिटी मतलब जहाँ पर आप स्टोरेज करेंगे फ्रूट को, उसकी एक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 80-85% होनी चाहिए। और अपन यदि बात करें रेनफॉल की, रेनफॉल यदि फ्लॉरिंग स्टेज में होगी, जैसे कि फरवरी मार्च में होती है, यदि वो फ्लॉरिंग स्टेज में यदि रेनफॉल होती है, तो ये हमें हार्मफुल करेगी मैंगो प्लांट के ऊपर। या किस तरह से हार्मफुल करेगी, सबसे पहली बात आप जानेंगे, आपने देखा होगा कि मैंगो की जब फ्लॉरिंग स्टेज होती है, यदि हैवी रेनफॉल हो या फिर नॉर्मल रेनफॉल हो, तो उससे प्लांट पे ड्रॉप करेंगी, वो ड्रॉप करने के बाद वहाँ से कुछ फ्लॉरिंग टूट के नीचे गिर जाते हैं, या फिर क्षति पहुँच जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल करेगी हमारे प्रोडक्शन पे। अब अपन बात करेंगे जैसा कि अपन बात किए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं प्रोपोगेशन पे। प्रोपोगेशन मीन्स कि एक प्लांट से अनदर प्लांट को जनरेट करना, बाय आप एसेक्सुअल मेथड से करें या फिर एसेक्सुअल मेथड से,
यदि हम सेक्सुअली मेथड से करेंगे तो वो हम सीड के थ्रू करेंगे, सीड से या फिर उसके जो आम के जो गुठली होते हैं वो सीड ही कहलाते हैं, उससे अपन न्यू प्लांट को जनरेट करके उसे प्रोपगेशन करते हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअली, ये दो टाइप के प्रोपगेशन टेक्निक्स हमारे पास दो टाइप के, एक सेक्सुअली जो कि हम सीड से करेंगे और दूसरा एसेक्सुअली जो कि सॉरी एसेक्सुअली। और अपन इसके बाद आते हैं प्लांटिंग। प्लांटिंग मीन्स कि हम प्लांटिंग कब करेंगे, किस टाइम में करेंगे, इसका टाइम क्या है, कौन से वर्ग में, और इसके लिए हमें कितनी मतलब कि स्पेसिंग की जरूरत होगी, ये सब आपको बताते हैं। जैसे प्लांटिंग की बात करें, नहीं बात करें तो प्लांटिंग हम करेंगे डिफरेंट टाइप से। सबसे पहले आती है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव वेजिटेटिव के रूप में करेंगे, उसके बाद आती है धनी प्लांटिंग, उसके बाद आती है हिमाची, ये सब अपन डिस्कस करेंगे आगे जाके डीपली में। यहाँ पे सिर्फ उसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं प्लांटिंग सीजन, मीन्स की मैंगो की जो प्लांटिंग सीजन होती है, हम प्लांटिंग सीजन की बात करें जैसे कि हम लोग प्लांट लगा रहा होता है उसकी स्पेसिफिक मतलब कि एक प्रॉपर टाइम होती है कि हम उस टाइम में ही प्लांट को मतलब कि प्लांटिंग कर सकते हैं, रोप सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। तो प्लांटिंग सीजन मैंगो की है जून और जुलाई, अपन जून और जुलाई में ही न्यू प्लांट लगाते हैं। फिर यदि आप हम बात करेंगे कि रेन फेड और मतलब कि इरिगेटेड एरिया के लिए फरवरी टू मार्च इसमें लगाएंगे। और इसके बाद अपन बात करेंगे वेराइटीज, वेराइटीज की बात करेंगे, तो आइए इसके बाद अपन बात करें न्यूट्रिएंट्स की। तो ये हम बात कर चुके हैं प्रोपगेशन क्वालिटी सीजन सीजन की बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे स्पेसिंग स्पेसिंग की, मतलब कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच कितनी स्पेसिंग होगी। जैसे कि एक प्लांट हमने यहाँ लगाया और एक प्लांट यहाँ लगाया, इस दोनों प्लांट के बीच की जो स्पेसिंग होगी मतलब जगह होगी उससे हम स्पेसिंग करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कि स्पेस कितना स्पेस होना चाहिए, इसमें भी दो कंडीशन है, एक है ड्राई और एक है मॉइस्ट। ड्राई मतलब सूखा लें, जैसे कि आप देखते होंगे कि सूखा लें, और मॉइस्ट मीन्स जहाँ पे नमी हमारी एरिया होगी। तो जब हमारी ड्राई ड्राई के लिए हम अपन बात कितना यूज करेंगे, 12 मीटर मॉइस्ट के लिए हम ऊपर सॉरी ड्राई के लिए अपन यूज करेंगे 10 मीटर ही ड्राई। और यदि बात करें हम मॉइस्ट की, तो मॉइस्ट में हम अपन यूज करेंगे 12 से 12 मीटर तक स्पेसिंग में एरिया में बात करते हैं, जैसे टेन जू के इन ड्राई लैंड मतलब सूखे लैंड के लिए, तो इसमें 10 जो है हमारी लेंथ में आएगी और 1 फुट 10 विथ में आएगी, मीन्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों 10 मीटर की होनी चाहिए। ये नहीं कि अपन लंबाई की 10 मीटर की यूज करेंगे और चौड़ाई की मतलब कि चौड़ाई यूज करेंगे, दोनों अपन सेम यूज करेंगे। और कुछ कुछ प्लांट अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम बात करें आम्रपाली, आम्रपाली में 2.5 मीटर होती है, इसके इसकी कल्टीवेशन मतलब कि जो इसकी प्रोडक्शन है वो 1600 मतलब 1600 फ्रूट अपन जैसे कि इसकी बात कर रहे थे 1600 प्लांट पर हेक्टेयर, यदि 2.25 और 2.25 की स्पेस से अपन यदि प्लांट को लैंड पे प्लांटिंग करेंगे तो अपन 1600 1 हेक्टेयर में 1600 प्लांट करेंगे। इसका भी एक तरीका है, एक फॉर्मूला है कि स्पेसिंग निकालने का, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम न्यूट्रिएंट, तो फर्स्ट ईयर में सबसे क्या बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन यदि हम फर्स्ट ईयर में देंगे तो 100 ग्राम पर प्लांट, ना कि पूरे लैंड पर प्लांट पर 100 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी।
50 ग्राम फास्फोरस की जरूरत होगी और 100 ग्राम पोटासियम की जरूरत होगी इन फर्स्ट ईयर। ये ध्यान रखिए भी पहले साल में जो है हम अपन 100:50:100 यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि 10 ईयर पर जैसे कि प्लांट में लगा दिया फ्रूट स्टार्ट किया उसके बाद उसमें हो गया न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लगती है तो हम लोग उस न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए अपन बाहर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यदि हम बात करें 10 साल बाद उसी प्लांट को हम अपन 1 kg पर प्लांट लेंगे और उसके बाद नाइट्रोजन 1 kg पर प्लांट लेंगे 10 मिलियन और रही बात फॉस्फोरस की तो अपन 100 ग्राम फॉस्फोरस देंगे 10 मिलियन में और रही बात पोटेशियम की तो 1 kg पर प्लांट लेंगे अपन 10वीं साल में। और टोटल बात करें तो इसमें आप जिंक भी यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम ये सब प्लांट के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकते हैं। अपन इसके बाद आते हैं वैरायटी पे जैसा कि वैरायटी में आ गया पाली आ गया सिंधु आ गया चौसा आ गया उसके बाद देख सकते हैं जैसे आ गया फलीजी आ गया नीलम आ गया और क्या है सिंधु आ गया। आप इसमें से सबसे मोस्ट और क्या बोलते हैं सबसे मीठा वैरायटी जिसे हम बोलते हैं क्योंकि हम बहुत ही मीठा है तो सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी में आपका आ जाता है चौसा वैरायटी। और अपन यदि बात करेंगे लाल सिंधु की तो ये लाल सिंधु बिहार में इसका सबसे ज्यादा यदि सिंधु को देखें तो सिंधु एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप हमेशा याद रखिएगा ये आपका IMPS के एग्जाम में भी आ सकता है। ये सिंधु जो है सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो है। इसमें सीड नहीं होते हैं सिर्फ गुदे मौजूद होते हैं और इतनी हमारी लेक्चर आज ही खत्म करेगा और इससे आगे हम बात करेंगे कल मतलब कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आप लोगों को यह पूरी कल्टीवेशन 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए धन्यवाद।